वही अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां मेडिकल कॉलेज शुरू होने के 3 साल बाद भी फैकल्टी और स्टाफ की भारी कमी है। जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ के 430 पद सृजित हैं। इन पदों पर भर्ती नहीं हो पाई है, जिसके चलते वार्ड बॉय, आया, सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मचारियों के पद भी खाली हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि पदों को भरने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। लगभग 430 के करीब जो है पद यहाँ पे सृजित हैं, और तो इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। जैसे वार्ड बॉय है, वार्ड आया है, अटेंडेंट है और सिक्योरिटी है, सफाई कर्मचारी हैं, उनके पद अभी यहाँ पर सृजित नहीं है। तो उसके लिए जो है शासन में जो है हमने लिखा हुआ है, और इसके साथ ही हम लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में जो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है, हरिद्वार, देहरादून और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये 100 स्टूडेंट के हिसाब से बन रहे हैं, और इसमें जो है 500 बेड के हॉस्पिटल हैं ये लगभग जो है। तो अभी हरिद्वार के भी पोस्ट सेंक्शन होंगे हैं, लगभग जो है 812 पोस्ट जो है हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए सेंक्शन हो गई हैं। तो हमने भी डिमांड रखी है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में भी जो है उसी तर्ज पर जो है यहाँ पद सृजित हो जाए। इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी भी बीच में उनका भ्रमण हुआ था, तो उनके संज्ञान में भी है, उनके द्वारा भी जो है आश्वासन दिया गया है कि यहाँ पे जो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है में जो नॉन टीचिंग के पद हैं वो जो है हरिद्वार और पिथौरागढ़ की भांति जो है यहाँ पर भी सेंक्शन हो जाएंगे। उसको जो है कैबिनेट में रखने की बात माननीय मंत्री जी द्वारा जो यहाँ पर बताया गया। लगभग 430